प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद भी सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट पीसीसी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और भारत चीन मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। पूरा देश और हमारी पार्टी हमेशा थे और खड़े रहेंगे, लेकिन ये सवाल अगर पूछा जाता है इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए केंद्र की सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया उसके बाद पीएमओ को उसको क्लैरिफाई करना पड़ा और चीन की मीडिया उस बयान को इस्तेमाल कर रही है, ये बड़ा असमंजस पैदा करने वाली स्थिति है और अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक यथास्थिति क्या है। अगर हमें स्टेटस को वापस लाना है, मतलब उसमें छेड़छाड़ हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को बताना चाहिए। और जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा कि शब्दों का खेल कर वास्तविकता को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, भारत की सीमाएं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, कोई दल, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई राजनीति कर हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को अगर कोई चैलेंज करेगा तो पूरा देश मिलकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखता है। सरकार लोगों की जेब पर और चाकू चला रही है, ये लगातार तेल और डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं। आज समय राहत देने का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम गिर गए हैं तो उसके राहत जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो छूट आगे तक देनी चाहिए, उसके बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं आप, दुगना बोझ डाल रहे हैं। और जो हमारे ट्रक हैं जो जिनसे हमारा सप्लाई होता है वो भी सब खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, तेल और पेट्रोल की डीजल बढ़ते ही फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, गरीबों के पहुँच से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, करोड़ों लोग वापस गरीबी के शिकंजे में फंस सकते हैं, उससे बचने के लिए उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफ़र हो, उनको फ्री अनाज मिले, नरेगा के दिन 100 के 200 कर दिए जाएं और शहरों में भी नरेगा के पैटर्न पर कोई ना कोई रोजगार की स्कीम हमें चलानी चाहिए। ये काम केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से करना। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।